SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान जो हिंसा हुई वो अगले दिन यानी 3 अप्रैल को भी जारी रही। कल राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी में हिंसा हुई और बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। विरोध करने वाले लोगों ने कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए उजाड़ दी। हमने कुछ ऐसे लोगों की तलाश की जो इस विरोध प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं और इस पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि दलित आंदोलन के नाम पर की गई हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार खुद दलित और गरीब ही हुए हैं। दंगा करने वाले लोगों ने उन लोगों को भी लूट लिया है जो कि दलित थे। हिंसा करने वाले ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि बंद की वजह क्या है। लोग एक अफवाह के चलते सड़क पर उतर आए थे और आरक्षण खत्म किया जा रहा है इसके चलते वो प्रदर्शन कर रहे थे। इससे जाहिर होता है कि जिन तथाकथित दलितों ने दंगा भड़काया वो कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि अपनों को ही लूट रहे थे और भारत बंद के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे थे। SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 और 3 अप्रैल को कुछ राज्यों में हिंसा के बाद का असर आज भी जारी है, जिसके चलते एहतियातन कुछ जगहों पर आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। मसलन यूपी के मेरठ में पहली डिग्री क्लास तक कॉलेज जो है वो भी बंद किए गए हैं। स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, 1 to 12 तक बंद हैं। हालांकि जिन स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं वो स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। यूपी के आगरा में बोर्ड परीक्षाएं वाले जो कॉलेजेस हैं उनको छोड़कर 1ली से 12वीं तक सभी स्कूल बंद हैं। मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना में 2 अप्रैल को जो कर्फ्यू लगा था आज सुबह 10 से 11 बजे कर्फ्यू में ढील दी गई है। आपको बता दें कि MP के ग्वालियर में शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। राजस्थान के करौली जिले में आज दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज और दफ्तर आज भी बंद रहेंगे। भारत बंद के नाम पर 2 अप्रैल को 9 राज्यों में हुई हिंसा अगले दिन भी जारी रही और इस बार जला राजस्थान का करौली। राजस्थान के करौली जिले में भीड़ ने कई बसों में आग लगा दी। विरोध की इस आग में सिर्फ बसें, दुकानें और घर ही नहीं जले, लोगों की नैतिकता भी जलकर राख हो गई। इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि लोग एक अफवाह का शिकार होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। इस घटना ने साबित किया है कि लोग हकीकत से पहले अफवाह पर भरोसा करते हैं। और जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे कठोर धाराओं में दर्ज किए गए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ क्लिपिंग्स भी हैं, कुछ और जो भी हमारे एविडेंस कलेक्शन के जो तरीके हैं, तो बिल्कुल पक्की कार्रवाई की जाएगी। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से बिना फैसले को पढ़े ही हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस कानून के खिलाफ नहीं है, कोर्ट ने इसे कमजोर नहीं किया है बल्कि गिरफ्तारी और CRPC के प्रावधानों को परिभाषित किया है। कोर्ट से बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अदालत का मकसद निर्दोष लोगों को परेशानी से बचाना है क्योंकि निर्दोषों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार पार्टी ही नहीं थी। मैं यह भली भांत समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में व्यापक रोष है। इस केस में भारत सरकार पार्टी नहीं थी। इस फैसले के विरुद्ध लोग चिंतित होकर सड़कों पर उतर आए हैं। मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तथा SC तथा ST समुदाय के लोगों को संविधान द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया गया है सरकार उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट के दायरे से निकलकर जरा जमीन पर दंगे की सच्चाई देखिए तो ये दंगा कम, सोची समझी लूट ज्यादा दिखाई देती है।
इस सच्चाई को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ चलिए। मेरठ में जय भीम का झंडा लिए तथाकथित दलितों की भीड़ ने दलित राजेंद्र को लूट लिया। राजेंद्र की एक दिन की आमदनी मुश्किल से 100 रुपए है। जो खुद को दलितों के लिए लड़ने का दावा करने वाली भीड़ लूट कर भाग गई और पीछे ये सवाल छोड़ गई कि कैसे दलितों की भीड़ ने ही एक गरीब दलित को ही लूट लिया। औजार ठाके ले गए, सामान 3 जोड़ी चप्पल ले गए, एक एक पैर की। आप दलित हैं और जिन्होंने जिन्होंने ये सामान आपका लूटा वो भी दलित ही थे? वो दलित नहीं थे सर, ये हमारी समझ से बाहर है सर। आंदोलन का मतलब यह शांतिपूर्वक। तो आपने कहा नहीं कि मैं भी दलित हूँ, तुम मेरा सामान क्यों लूट रहे हो? सर गोली चलने लगी थी, मैं तो काउंटर में बैठ गया था डर के मारो। अब ये हालात है। वो लोग जो दलितों के नाम पर देश में अराजकता कर रहे थे, सड़कों पर आग लगा रहे थे, उनका निशाना दलित ही बन रहे थे। और वो दलित बन रहा था जो बेचारा जैसे तैसे दिन में कमाई करता है और अपना गुजारा चला पाता है। राजेंद्र की तरह दिनेश भी दलित है, सड़क पर फल का ठेला लगाते हैं। भीड़ के सामने दिनेश हाथ जोड़कर चिल्लाते रहे कि वो भी दलित है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये बताइए हुआ क्या कल आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ पे थे और ले लेके भाग रहे थे ककड़ी। हमको ले जाओ साहब, मैं तो कुछ नहीं, हाथ से छेप करेंगे, ले जाओ। हम तो एक साल हो एक दिन की 3-4 दिन की कमाई नहीं सही, ये हमने सोच के हमको खाए जाओ आपकी फ्री सेवा में हम आज। आपने उनसे बोला नहीं कि भैया तुम्हारा आंदोलन, तुम्हारा मुद्दा जो भी हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? साहब हम कहा भाई, हमने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया साहब, मैं तो ऐसे हैं मतलब फट पाले बच्चों को पाल रहे हैं, हम तो आज का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं और हम आपके बिरादरी के हैं। ये भी आप भी दलित ही हैं? हाँ जी सर। आप दलित होने के बाद भी आपने बताया आप दलित हैं? हाँ बताया, जब भी तो ये साहब 3-4 आदमी लगे हैं, कहा कि इसका एक भी ककड़ी नहीं लूटनी चाहिए, लेकिन फिर भी लूट के ले गए वो। लेकिन राजेंद्र और दिनेश के साथ जो हुआ उसकी चिंता किसी को नहीं, ना तो उनके नाम पर हिंसा कर रही भीड़ को, ना ही इस मसले को सियासी रुख देने वाले नेताओं को। SC ST एक्ट के फैसले के बारे में भारत बंद विपक्ष के द्वारा किया गया, जबकि पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार कह चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन करेंगे, बंद का आह्वान करने की कोई जरूरत नहीं थी। परंतु बंद कर जो हिंसा हुई है, इसके लिए बंद का आह्वान करने वाले विपक्ष के सारे सदस्य जिम्मेदार हैं। 20 मार्च 2018 को निर्णय हुआ, आज 13 दिन बीत गए। 13 दिन बीत जाने के बाद भारत बंद वाले दिन ही आपने रिव्यू पिटीशन क्यों दायर किया? पहले दिन कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा, हमने धरना दिया, संसद में उठाया, राष्ट्रपति भवन गए, परंतु सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगी? आपने इस हिंसा के होने का इंतजार क्यों किया रिव्यू पिटीशन होने तक? हम इसे सियासत क्यों कह रहे हैं अब इसे समझिए, लेकिन उससे पहले खुद को दलितों की देवी कहने वाली बहन मायावती का ये बयान सुनिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार व बीजेपी की विभिन्न राज्यों की सरकारों के दलित व पिछड़ा वर्ग आदि विरोधी होने के कारण, खासकर दलित व पिछड़ा वर्ग आदि विरोधी होने के कारण, तो इनके दामन पर घोर जातिवादी होने का जो गहरा बदनुमा धब्बा लगा हुआ है, वह ऐसे ही नहीं लगा है, बल्कि उसके पीछे इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने के साथ साथ इनकी संकीर्ण व जातिवादी सोच व मानसिकता एवं गलत कार्य प्रणाली भी दोषी है। इनकी इसी जहरीली जातिवादी सोच व कार्य प्रणाली का ही परिणाम है कि इस देश में दलित व पिछड़े वर्ग के करोड़ों लोगों को उनका कानूनी व संविधानिक हक नहीं मिल पा रहा है। आज भी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो दलित और आदिवासी लोग हैं, वे आज भी जीवन के हर क्षेत्र में अन्याय व शोषण का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं। जो मायावती इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं, 2007 में बतौर यूपी की मुख्यमंत्री उन्होंने SC ST एक्ट के नियमों में ढिलाई दी थी। जी न्यूज के पास इस आदेश की कॉपी है।
जिसमें उन्होंने यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव को यह आदेश दिया था कि एससी एसटी एक्ट को लागू करने में विशेष सावधानी बरती जाए। इस एक्ट का सहारा लेकर कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये भी देखा गया है कि कभी कभी दबंग व्यक्ति दुश्मनी की भावना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इसलिए ऐसे मामले में सत्यता की पुष्टि करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए और एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग किसी भी दशा में न हो। और यही बात जब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो मायावती को इसमें एससी एसटी का विरोध दिख रहा है, तो ये क्यों ना माना जाए कि दलित हित की आड़ में दलित ही दलित का शोषण कर रहा है। क्या ये चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर लोगों को जातियों में बांटने की राजनीति की जा रही है, यानी दलितों का हित कम, दलहित ज्यादा। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, मेरठ।